नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेहद ही खूबसूरत से जीजी प्लांट के बारे में। इसका पूरा नाम जेमियोकुलकस जेमिफोलिया है, इसीलिए इसे शॉर्ट में जीजी कहते हैं क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पूरा नाम आप बार बार बोलेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, तो इसीलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया है। इसे हम जीजी प्लांट कह के बुलाते हैं। यह मूल रूप से ईस्टर्न अफ्रीका का प्लांट है और यह अफ्रीकन कंट्रीज और यूएस में बहुत लंबे समय से ग्रो किया जाता रहा है। इस प्लांट को काफ़ी शुभ ही माना जाता है उस जगहों पर। वैसे किसी भी प्लांट को शुभ या अशुभ माना, यह तो मान्यता की बात है, बट यह प्लांट देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसमें दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो पत्तियाँ हैं बड़ी ही प्यारी लगती हैं देखने में, इसके फ्लैसी से जो ग्रीन लीफ हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। यह प्लांट खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी यूजफुल भी है हमारे लिए। अब आप पूछेंगे कि ये किस तरह से यूजफुल है, तो मैं बता दूं कि यह एयर को प्योरीफाई करता है, हवा में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स लाइक बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया जैसे टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और एयर में उनकी क्वांटिटी को कम करता है, जिससे एयर प्योरीफाई होता है, एयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। यह एक इंडोर प्लांट है, तो अगर आप इसे अपने बेडरूम में या फिर घर के किसी कोने में रखते हैं तो आपके घर में मौजूद हवा की क्वालिटी को यह इंप्रूव करता है। और ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस प्लांट पर 80s के समय में नासा ने रिसर्च किया था और उस रिसर्च में पाया गया कि यह प्लांट एयर को प्योरीफाई करने में काफ़ी उपयोगी है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में, अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि यह देखने में जितना खूबसूरत है उतना फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए। दोस्तों, इस प्लांट को ग्रो करना या मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। इस प्लांट में सॉइल के नीचे राइजोम बनते हैं, जो देखने में काफ़ी हद तक आलू की तरह लगते हैं, पोटैटो की तरह। राइजोम अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी को स्टोर करके रखता है, जिससे यह प्लांट बहुत लंबे समय तक बिना वाटरिंग के भी सर्वाइव कर लेता है। समय समय पर इसमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, इसलिए इसके राइजोम को डिवाइड करके इसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्लांट इस छोटे से पॉट में मुझे 150 रुपये में मिला था। हालांकि यह एक सिंगल प्लांट नहीं है, बल्कि इस पॉट में करीब 3 से 4 प्लांट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कोकोपीट में लगा हुआ है इस समय, ये देखिए, ये कोकोपीट में लगा हुआ पूरी तरह से, इसलिए इसे हमें ट्रांसप्लांट करना होगा, क्योंकि कोकोपीट में यह लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इस प्लांट के ख़राब होने या मरने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वह है एक्सेस मॉइस्चर। अगर आपकी पॉट में लंबे समय तक गीली रहेगी तो यह प्लांट लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता और इसके जो राइजोम है वह सड़ने लगते हैं और प्लांट मर सकता है। और कोकोपीट अपने अंदर बहुत अधिक मॉइस्चर को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, तो इसलिए हम इसके लिए एक नया पॉट मिक्स तैयार करेंगे और इसको हम एक नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, आप जब भी जीजी प्लांट को नर्सरी से ले आएँ तो देख लें कि प्लांट किस तरह की पॉटिंग मिक्स में लगा हुआ है। अगर प्लांट वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स में लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, प्लांट को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह कोकोपीट या रेड सॉइल में लगा हुआ है, जो कि बहुत अधिक मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, तो ऐसे में बिना देर किए अपने प्लांट को एक नए पॉटिंग मिक्स में शिफ्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है। अब मैं प्लांट को पॉट से निकाल लेता हूं और राइजोम को अलग कर लेता हूं। इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय आप 1 पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं और 1 पार्ट आप सैंड ले सकते हैं, मोटे दाने वाली, जो बिल्डिंग्स को बनाने में यूज होता है, जिससे हमारा पॉटिंग मिक्स बिल्ड ड्रेन रहे। और हाफ पार्ट कोई भी मैन्योर, जैसे काय मैन्योर या कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ले लें। और लास्ट में 1/2 टीस्पून आप इसमें फंगिसाइड जरूर डाल दें अगर आपके पास अवेलेबल हो। अगर फंगिसाइड ना हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नीम केक पाउडर मिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट में कोई भी फंगल डिसीज नहीं लगेगा। तो मैंने राइजोम को निकाल लिया है और इनको डिवाइड कर लिया है और अच्छी तरह से कोकोपीट को साफ कर लिया है। तो अब इनको हम एक नए पॉट में और नए पॉटिंग्स में शिफ्ट करेंगे। ये टोटल 3 प्लांट निकले। मैं इन्हें इस 5 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगाऊंगा और तीनों प्लांट को मैं एक ही पॉट में लगाऊंगा, क्योंकि अभी प्लांट काफ़ी छोटे हैं तो इनको अलग नहीं करूँगा। और तीनों प्लांट के लिए इतना बड़ा पॉट पर्याप्त है, क्योंकि जीजी प्लांट को बहुत बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, जीजी प्लांट के राइजोम के साथ साथ इनके रूट्स में भी पानी स्टोर रहता है, तो इनके रूट्स जो हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इसलिए जब इन्हें आप पुरानी मिट्टी से निकालें तो बहुत ही सावधानी से, आसानी से समय लेकर निकालें, जिससे प्लांट के जो रूट हैं वह टूटने ना पाएँ। दोस्तों, जीजी प्लांट को राइजोम के अलावा कटिंग से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसकी किसी भी मेच्योर ब्रांच से आप 3 से 4 इंच की कटिंग लेकर के अगर लगाएंगे तो बहुत ही ईजिली इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है और एक नया प्लांट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने प्लांट को अच्छी तरह से लगा लिया है, पॉटिंग मिक्स को चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए भर लिया है और अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे।
कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें बहुत ही कम वाटरिंग की जरूरत होती है उसे वाटरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्लांट के पॉट के नीचे एक पानी से भरा हुआ ट्रे रख दें और जितना पानी की जरूरत प्लांट को होगी वह उतना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से वाटरिंग करने से ओवर वाटरिंग का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। वैसे आपको जिस तरह से वाटरिंग करना हो आप उस तरह से करें, जिस तरह से आपको सूटेबल हो, बट वाटरिंग करते हुए बहुत ही ध्यान से वाटरिंग करें। अगर आपने अपने प्लांट को बेल ड्रेन पॉटिंग्स में लगाया है तो आप जब भी वाटरिंग करें तो डीप वाटरिंग करें, जिससे पॉटिंग अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। लेकिन दोबारा वाटरिंग करने से पहले आप जीजी प्लांट के पॉट की मिट्टी को चेक कर लें। जब लगभग 2 इंच के अंदर की मिट्टी सूखी लगे तभी दोबारा वाटरिंग करें, क्योंकि यह प्लांट सिर्फ ओवर वाटरिंग से ही खराब होता है। बल्कि अगर आप लंबे समय तक इसे पानी देना भूल जाएं और इसके पॉट की मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तब भी यह प्लांट सर्वाइव कर लेता है, ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर पॉट में पानी रुके या फिर पॉटिंग में अधिक लंबे समय तक गीला रहे तो यह प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं करता और ख़राब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह एक इंडोर प्लांट है तो ऑब्वियसली आप इसे इंडोर ही रखेंगे। अब इंडोर इसे आप कहाँ रखना चाहते हैं वह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आसानी से रह लेता है। अगर आप इसे किसी ऐसे जहाँ पर रखते हैं जहाँ इसे पूरे दिन इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे, सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती रहे, इस पर डायरेक्ट सूरज की किरणें ना पड़े, तो ये बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करता है और बहुत अच्छी हेल्थ रहती है इसकी। बट अगर इस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, लंबे समय तक सूरज की रोशनी पर पड़ती है, तो जो प्लांट के पत्ते हैं वो बर्न होने लगते हैं और धीरे धीरे पीले होकर के गिरने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा प्लांट डेड हो जाता है। तो इसे आप कभी भी डायरेक्ट लाइट में ना रखें। अगर आपके घर में बिल्कुल सनलाइट नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको किसी भी रूम में रख दें जहाँ पर सिर्फ सीएफएल की लाइट पड़ती हो, तो भी यह सीएफएल की लाइट से बड़े ही आसानी से सर्वाइव कर लेता है। तो दोस्तों, कुल मिला के एक ऐसा प्लांट है जिसको ना तो बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा रोशनी की जरूरत होती है, और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की जरूरत भी नहीं होती है। महीने में सिर्फ एक बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट, लीप मोल्ड या काउ मैन्योर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे दे सकते हैं इसमें, या आपके पास बैलेंस एनपीके हो तो उसे भी आप पानी में घोल करके वाटरिंग के समय से दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको महीने में एक बार ही इसमें फर्टिलाइज़र देना है, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, इस प्लांट पर होने वाले पेस्ट और डिसीजेज की बात करें तो इस प्लांट पर पेस्ट और डिसीजेज का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एफिडिसाइडोमाइट्स और वाइट फ्लाई जैसे कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि हर प्लांट में लग ही जाते हैं कभी ना कभी। तो इसलिए आप रेगुलर अपने प्लांट को चेक करते रहें और जैसे ही किसी इंसेक्ट का प्रभाव इस पर दिखाई पड़े तो आप नीम ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लिक्विड डिशवाश सोप का स्प्रे कर सकते हैं और इस तरह से इन इंसेक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं शुरुआत में ही। इसके अलावा इस प्लांट में फंगल डिसीज होने के चांसेज अधिक होते हैं और अक्सर ऐसा ओवर वाटरिंग की वजह से होता है, तो आपको बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और रेनी सीजन में जब फंगस का खतरा बहुत अधिक होता है तो उस समय आप हर 15 दिन में एक बार वाटरिंग करते समय आप पानी में ही थोड़ा सा फंगिसाइड घोल करके इसे दे दिया करें, जिससे आपके प्लांट हेल्दी रहें और इसमें किसी तरह का फंगल डिसीज ना हो। दोस्तों, इस प्लांट से जुड़ी कुछ और बातें जान लेना ज़रूरी है। पहली बात कि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, तो अगर आपका जीजी प्लांट लंबे समय से सेम हाइट का है तो परेशान ना हो, क्योंकि यह बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करता है। दूसरी बात, जीजी प्लांट के पत्ते जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं बट थोड़े से टॉक्सिक होते हैं, तो इस प्लांट को छोटे बच्चों और जानवरों की पहुंच से थोड़ा दूर रखें। तो दोस्तों, यह एक ऐसा प्लांट है जिसकी जितनी कम केयर करेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ रहेगी इसकी। अगर आप अन्य प्लांट की तरह इसकी रेगुलर केयर करेंगे, रेगुलर वाटरिंग करेंगे और अधिक फर्टिलाइजर देंगे तो यह प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर सकता है। इसीलिए महीने में सिर्फ एक बार फर्टिलाइजर और कभी कभार वाटरिंग की जरूरत होती है। तो हर वाटरिंग से पहले आप पॉट की मिट्टी को चेक कर लें, जब लगे कि पॉट की मिट्टी सूख गई है तभी आप इसमें वाटरिंग करें। और यह स्लो ग्रोइंग प्लांट होने की वजह से जल्दी इसे रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं होती, यह छोटे से पॉट में लंबे समय तक रह लेता है। जब तक इस प्लांट के रूट ड्रेनेज होल से बाहर ना निकलने लगे या फिर पूरी तरह से रूट बाउंड ना हो जाए तब तक इसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जेमियोकुलकस जेमिफोलिया यानी जीजी प्लांट से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आपको चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।